मुझे याद है कि मैं एक बहुत पहले एक बॉलीवुड की मूवी देख रहा था, जिसमें क्या होता है कि चोर भाग रहा होता है, पुलिस कहता है कि रुक जाओ नहीं तो मैं पैर पे गोली मार दूंगा। और तब तक क्या होता है, चोर जो होता है वो मार्केट में घुस जाता है, फिर पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार इतना डायलॉग क्यों मारा, पहले ही गोली मार दिया होता। फिर कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने एक वीडियो क्लिप भेजा, हॉलीवुड मूवी का था। उसमें क्या होता है, पुलिस जो होता है वो तुरंत गोली मार देता है बिना सोचे समझे। आपको पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। Your son has merely been stunned by a less than lethal weapon. Remain calm. 50,000 volts of electricity are now passing into your skeletal muscle tissue. Your central nervous system has been incapacitated, but you will regain motor functions momentarily. तो ये जब वीडियो क्लिप में आप जो गन देख रहे हैं, इसे टेजर कहा जाता है। कई कंट्री में जो है ये टेजर जो होता है पुलिस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ लीगल होता है। अब तो इंडिया में ही इसी साल 2020 में ही जो होता है गुजरात पुलिस को भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी टेजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, हो सकता है फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिले कि टेजर से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं गुजरात पुलिस को। तो ये बहुत सही चीज़ है। अब जो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे दोस्त से बात हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई पता है ये जो स्टन गन होता है, जो टेजर होता है, ये जो होता है 50,000 वोल्ट तक जनरेट कर सकता है वोल्टेज। मैंने कहा यार बहुत सही चीज़ है, लेकिन इससे मौत भी नहीं होती किसी की। मैं कहा ये कैसे होता है, इतना 1,000 वोल्टेज और फिर भी किसी की मौत नहीं होती है। मैं कहा ये बहुत सी चीज़ है, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। और इसके साथ साथ उसने पूछा कि इतने छोटे जगह में, मतलब इतना छोटा गन में इतनी ज़्यादा वोल्टेज कैसे जनरेट किया जाता है। मैं कहा हाँ ठीक है, दो सवाल बन रहे हैं, दो सवाल पे तो हम वीडियो बना ही सकते हैं और आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी लेके आ सकते हैं। तो ये वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए, आप देख रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल जैसे है कि इसमें कैसे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज के बाद भी लोग क्यों नहीं मरते हैं। पहले ये समझ लीजिए स्टन गन क्या होता है और टेजर क्या होता है। स्टन गन जो होता है, जैसा कि अभी मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, आप पहले से देख लीजिए। सर calm down. I'm calm. तो जैसा कि आपने इसमें देखा और जैसा मैंने पहले आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी, वो टेजर था। स्टन गन में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लगाना पड़ता है, तब हमें शॉक लगता है। और टेजर में क्या होता है कि दूर से ही 15 फीट से लेकर 21 फीट तक की दूरी तक हम शॉक लगा सकते हैं। मतलब जब दबाएंगे तो वो उतने दूर तक जाके उसको धस सकता है, वो कपड़े को छेद के उसके पार हो जाता है। जो टेजर होता है इसमें इतनी पावर होती है और वो 15 फीट से 21 फीट तक की दूरी तक कर सकता है ऐसा। तो ये दोनों अंतर होता है और बाकी चीज़ें सेम होती हैं दोनों में। तो हम बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल ये था कि इतना हाई वोल्टेज 50,000 वोल्ट तक वोल्टेज पहुंच जाता है फिर भी लोगों की मौत क्यों नहीं होती। देखिए फंडा ये है कि अगर आप वोल्टेज और एम्पियर को समझते होंगे तो देखिए किसी की भी अगर मौत होनी है, अगर किसी भी इंसान की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत होनी है तो उसमें एम्पियर होना जरूरी है। वोल्टेज से किसी की मौत नहीं होती है। जी हाँ, वोल्टेज अगर कितना भी ज़्यादा हो रहा है, एम्पियर बहुत कम है, तो उसकी मौत नहीं होगी। तो जो ये स्टन गन होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि हाई वोल्टेज होगा और एम्पियर जो होगा वो बहुत कम होगा। कुछ मिली एम्पियर जो होते हैं इसके एम्पियर होते हैं। अब वोल्टेज इतना हाई होता है, अगर इसी का उल्टा एम्पियर बहुत ज़्यादा होता और वोल्टेज कम होता तो हो सकता है बहुत चांसेस हो जाते कि इसकी मौत हो जाए, लेकिन एम्पियर इतने कम होने की वजह से इसकी मौत नहीं होती है। हालांकि ये क्यों होता है, एम्पियर कम होने से और वोल्टेज ज़्यादा होने से क्यों मौत हो जाती है, इसके अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं कभी इसे और अलग वीडियो में बताऊँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इन दोनों को एक ही जगह नहीं बताना चाहता हूँ। तो वैसे आप समझ गए होंगे कि एम्पियर अगर कम होता है तो लोगों की मौत नहीं होगी। तो ये सिंपल फंडा है। तो ये करता क्या है, जब इतनी ज़्यादा वोल्टेज और एम्पियर कम होने की वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट डालता है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप चल रहे हैं और किसी ईंटे से टकरा जाते हैं, तो तुरंत जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग को बताता है कि हमें चोट लगी है। तो दिमाग फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है पैर तक कि पैर तुरंत पीछे हटा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, कोई भी मैसेज जो पहुंचता है हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से शरीर तक और शरीर से दिमाग तक, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा पास करती है। चाहे आप कुछ भी करें, किसी चीज़ को टच भी कर रहे हैं तो उसका कैसा टच है ये भी जानने के लिए आप जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही हमारा हाथ दिमाग तक भेजता है और उसे पता चलता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ट्रांसफ़र होती है। तो अगर हम इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कोई बाहर का सिग्नल भेज दें, कोई बाहर का इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिक्स कर दें जिसमें कोई मैसेज हो ही ना, क्योंकि हमारे शरीर में जो सिग्नल पास करते हैं उसमें छुपे हुए होते हैं मैसेज, लेकिन बाहर का जो सिग्नल होगा उसमें कोई मैसेज होगा नहीं, दिमाग को कंफ्यूज हो जाएगा और इसी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए जब हमें स्टन गन से शॉक लगता है तो जो इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मिक्स हो जाते हैं। मतलब कि बाहर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे सिग्नल के साथ मिक्स हो चुकी है और इसमें तो कोई मैसेज है ही नहीं। अगर हम टेक्निकल वर्ड में कहें तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ नॉइज़ मिक्स हो गया है। जैसा कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो नॉइज़ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं।
और अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो जो बाहर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो करंट है, इसमें तो कोई मैसेज है नहीं, अभी इसके साथ मिक्स होकर ऐसा घुल मिल गया है कि अब दिमाग को समझ में नहीं आएगा करना क्या है। और ये इतने कम समय के लिए होता है कि हमें पता नहीं चलता है दिमाग को कि अब क्या करें। इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ही तेज़ी से एक्शन देता है हाथ और पैर को मूव करने के लिए। अब कुछ समय के लिए हम लोग पैरालाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट इतने कम समय के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे शरीर से काफ़ी एनर्जी खींच ली जाती है इस शॉक की वजह से, और हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, और सीधे शब्दों में कहते हैं पैरालाइज हो जाते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए चीज़ें होती हैं, फिर हम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। हम बात करते हैं कि इतनी छोटे सी जगह में इतना हाई वोल्टेज कैसे जनरेट हो जाता है। देखिए, इसको बताना बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी भी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर से ही वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है। देखिए, स्टनगन में क्या होता है कि जनरली 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होती है, उसके साथ कई ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं जो क्या होते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ ऑसिलेटर लगा हुआ होता है और कैपेसिटर होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, बट ये बेसिक होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। अब ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी करंट को ही बढ़ा सकता है। जो हम दे रहे हैं 9 वोल्ट वो जो है वो डीसी है, इसके लिए ऑसिलेटर यूज़ किया जाता है। ऑसिलेटर का काम ये होता है कि जो करंट होता है वो उसको फ्लक्चुएट करा सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पेसिफिक पल्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो डीसी होता है, जो ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी जो डीसी है, उसको वो एसी में बदल देता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को एसी की ज़रूरत होती है। तो वो एसी को जो है वो फिर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर बाद में कैपेसिटर लगे हुए होते हैं जो उसे स्टोर कर लेते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब बाहर जो होता है दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, दो प्लेट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज का डिफरेंस जनरेट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो चुका है और एक तरफ बहुत कम वोल्टेज है। तो अब अगर इसके बीच में अगर कंडक्टर लगा दिया जाए तो करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा। अब वो कंडक्टर जो होता है वो हमारी शरीर होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक कंडक्टर है। तो जैसे ही स्टनगन को हमारे शरीर पर टच किया जाता है, फिर जब जो बटन होता है उसको दबाया जाता है, तो सर्किट जो है फ्लो होने लगती है, और इतनी हाई करंट जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर चल जाती है। अब आगे क्या होता है, कैसे मिक्स हो जाती है करंट, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बताई दी। तो ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। टेजर गन भी ऐसा ही काम करता है, इसके अंदर की भी प्रिंसिपल सेम होती है। बस इसमें क्या होता है कि दूर तक चीज़ें जा पाए, दूर तक जो कंडक्टर उसमें एक लगा होता है वो दूर तक पहुंच सके। इसके लिए क्या होता है कि स्प्रिंग यूज़ किया जाता है, या कई बार जो होता है कंप्रेस्ड गैस यूज़ किया जाता है। जो गैस होता है वो एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत दूर तक जा पाते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आप एक बार में से एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको जो जिससे आपसे बचना है उसको आप दूर से ही बच सकते हैं, क्योंकि ये 15 से 21 फीट तक की दूरी तक ये जा सकता है। टेजर गन को सिर्फ पुलिस लोग ही यूज़ कर सकते हैं, आम इंसान के लिए ये लीगल नहीं है। हाँ, लेकिन स्टन गन आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और टेजर गन में ये चीज़ होती है कि एक कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ होता है, जिससे पता चल जाता है कि कब आपने किस डेट पे आपने इस गोली को चलाई थी और कितने समय चलाया था, ताकि पुलिस इसका रिकॉर्ड रख सके। ये सारी चीज़ें होती हैं स्टन गन और टेजर में, कैसे स्टन गन काम करता है, कैसे इसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं ट्रांसफार्मर की वजह से, और ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में कैसे इफेक्ट डालता है, और एम्पियर कम होने की वजह से हमारी मौत नहीं होती है, बस हमें थोड़ा सा झटका लगता है। ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि मैं कितने हद तक आपको चीज़ें समझा पाया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।